हेलो hey स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे क्वीन इंग कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की कैसे अप्लाई करना है क्या प्रोसीजर है क्या इसका क्राइटेरिया है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन कौन सी कंट्री एलिजिबल है इसमें वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और इसकी अप्लीकेशन को कैसे फिल करना है वो भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे यही कहूंगी मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे यही कहूंगी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है चलो आपको थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन बता दूँगी यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है यहाँ पर टू ईयर मास्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कि गरीब गुरबा वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं वो ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करें कि आपके लिए असीन मौका है ठीक है इसके बाद यहाँ पर आपकी जो ये लाइफ चेंजिंग के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर आप अप्लाई करें इससे आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी चेंज हो जाएगी और ये ऑफर भी इसलिए हैं ताकि आप यहाँ पर आएँ यहाँ के कंट्री को एक्सप्लोर करें और यहाँ के कल्चर को देखें और फिर जाकर अपने कंट्री में जो है वो डिवेलपमेंट में हिस्सा लें और यहाँ पर जो है वो ये भी बता रहे हैं कि इसके जो साइकिल्स होते हैं वो दो साइकिल होते हैं एक साइकिल इसका ओपन होता है नवंबर से दिसंबर तक और सेकंड साइकिल जो होता है ओपन होता है वो मार्च और अप्रैल में तो अभी जो है वो सेकंड साइकिल इनका ओपन हो चुका है अब देखते हैं व्हाट डज द स्कॉलरशिप्स कवर तो ये स्कॉलरशिप क्या कवर करेगी आपको फुल फंडेड ट्यूशन फीसिज कवर करेगी लिविंग अलाउंसेस जो है वो कवर करेगी इसके अलावा आपका रिटर्न इकोनॉमिक फ्लाइट जो है वो भी इसमें कवर होगा इसके बाद आपको जो है वो अलाउंसेस भी देंगे इसकी जो सेकंड साइकिल है वो ओपन हो चुकी है और उसकी जो लास्ट डेट है वो ट्वेंटी फोर मई है तो इससे पहले पहले आपने अप्लाई कर लेना है और यहाँ पर रिसर्चर भी अप्लाई कर सकते हैं वो इन्हें जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे वो उसे अप्रूवल दे देंगे इसको आपने कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी कंट्री जो है वो इसमें एलिजिबल है वो भी मैं बता देती हूँ इसमें इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश मलेशिया स्पेन सिंगापुर यानी कि इंटरनेशनल जितने भी कंट्रीज़ uh, हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और कौन को कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर जो है वो ये ऑफर करी हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ और फिर पूरा कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको इसी वीडियो में करके दिखाती हूँ और आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें तो यहाँ पर ये यह सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी लिस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ और जो जो आपकी कोर्सेज़ हैं वो भी आप चेक कर लीजिएगा जिस यूनिवर्सिटी में होंगी आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर आप मोर देन वन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं अब ये नहीं है कि आप इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर लें लेकिन आप ये दो से तीन या दो तक आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर अपने कोर्स से रिलेटेड जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी जो भी कोर्स है आप उसको चेक कर लीजिएगा क्राइटेरिया एंट्री रिक्वायरमेंट्स आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा जो आपकी क्राइटेरिया और आपके कोर्स के साथ मैच करती है उसके साथ आप कैरी ऑन कर लीजिएगा ठीक है अब मैं आपको इसकी एक यूनिवर्सिटी उसकी मैं आपको जो है वो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर चेक करके बता देती हूँ उसके बाद बाकी आप खुद चेक कर लीजिएगा आपका जो भी कोर्स है और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सारे कंट्रीज़ भी जो है वो ये ऑफर कर रहे हैं तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं इसकी सेम ही जो है ना वो बेनीफ़ि हैं तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी की जो है वो रिक्वायरमेंट्स बता देती हूँ आपने क्लिक करना है इसकी ऑफिशली वेबसाइट पर यहाँ पर आपने फ़िल्टर पर जो है वो क्लिक करना है और यहाँ पर जिस भी कोर्स में जिस भी डिग्री में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर मैं पोस्ट ग्रेजुएट और डिग्री को सेक्ट करती हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी रेंडम एक सब्जेक्ट लिख देती हूँ जहाँ पर मैं सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैं फिज़िक्स जो है वो लिख कर चेक कर लेती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं और कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है तो मैं यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग चेक की है तो वो बैचलर के लिए है और इसके अलावा मैंने अभी इसमें फ़िज़िक्स को चेक किया है तो फिज़िक्स जो है वो यहाँ पर जो है वो मास्टर वालों के लिए भी ऑफ़र की जा रही है और बैचलर वालों के लिए भी की जा रही है तो आप अपने कोर्स को चेक करने के बाद इस यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप को वो मैं आपको आगे वीडियो में करके बताऊंगी आपने उसी तरह उसको एज इट इज़ फॉलो करना है तो यहाँ पर इसका ये क्राइटेरिया है इसकी एंट्री जो है वो कोर्स की डिस्क्रिप्शन uh, है प्रोग्राम्स रिक्वायरमेंट्स है आप इसको पढ़ लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग uh, जो भी आपका मैच करता है वो आपने यहाँ पर चेक कर लेना है और उसके बाद आपने अप्लाई करना है मुझे जिस कोर्स में अप्लाई करना है वो ईस्ट यूनिवर्सिटी में है तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं सबसे पहले आपने अप्लाई फॉर क्यू एस पे क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पोर्टल आपके पास ओपन हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट ओपन होने के बाद यहाँ पर आपने जो है वो आपके पास अगर लॉगिन नहीं है और आपने पहले नहीं कभी भी अप्लाई किया तो यहाँ पर आपने राइट right साइड पर गेट स्टार पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया है गेट स्टार्ट पर और यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है यहाँ पर हम करेंगे रजिस्ट्रेशन तो आपने यहाँ पर फर्स्ट नाम लिखना है मैं यहाँ पर एक रैंडम ने नेम लिख लेती हूँ और आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है और इसके बाद आपने लास्ट नाम अपना लिखना है और इसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और ईमेल टाइप लिखनी है अगर आप जॉब करते हैं तो आप वो वन लिख लीजिएगा और अगर आप घर से करें कुछ भी नहीं करते हैं, तो आप होम कर लीजिएगा ठीक है और जो भी आपकी मतलब आपके साथ मैच करती है आप उसको सिलेक्ट यहाँ पे कैटेगरी को कर लीजिएगा इसके बाद आपने मैं यहाँ पे होम क्लिक जो है ना वो सिलेक्ट कर रही हूँ इसके बाद हमने नेक्स्ट स्क्रोल रूम करना है और यहाँ पे अगर तो आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं उसके बाद आपने यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने अपने रीजन को सिलेक्ट करना है इस स्कॉलरशिप में इंडियन पाकिस्तान बांग्लादेश मलेशिया ये सब कंट्रीज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें इसके बाद आप के लिए न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपने अपना रीजन जो भी आपका रीजन है एशिया है जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है रजिस्ट्रेशन हो चुकी है अब हम इसको ई मेल में चेक करेंगे ई मेल में आपको जो है वो एक्टिवेशन लिंक दिया गया है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद अपने पासवर्ड को जो है वो हम अपडेट करेंगे तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी लॉग इन पर यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो आपने लॉग इन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है तो यहाँ पर आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को क्रिएट करना है तो यहाँ पर मैंने कर लिया है पासवर्ड और इसके बाद आपने कन्फर्म पासवर्ड पर क्लिक करना है और उसके बाद अपडेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है इस तरह से आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है अब हम अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप के फॉर्म को तो आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन पीछे जैसे नज़र आ रहा है ऐसे ही आपको आपका पोर्टल बन जाएगा यहाँ पर आपने जो है वो टेन पेजेस को फिल करना है तो सबसे पहले हमने जो है वो स्क्रो डाउन करना है और यहाँ पर एलिजिबल एंड डेड लाइन्स को आपने पढ़ लेना है ठीक है और इसकी जो डेड लाइन है वो ट्वेंटी फोर्थ मई को है और आपने उससे पहले पहले इसको अप्लाई कर लेना है ठीक है यहाँ पर आपने पहले डेटा सेव करना है और उसके बाद कंटिन्यू करना है क्योंकि अगर आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो इसका डेटा आपका सेव नहीं होगा मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर रही हूँ और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हम मैंने नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे यहाँ पर आपने जो है वो यहाँ पर मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगी कौन कौन से कंट्री जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर जो रिफ्यूजी हैं कहाँ कहीं भी हैं रिफ्यूजी किसी भी कंट्री में है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हुए नो करेंगे तो आपकी जो अप्लीकेशन है वो आगे जो है वो फ़र्दर प्रोसेस नहीं करेगी और अब मैं आपको वो करके दिखा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको जो आपकी राइट वे है उसको मैं करके दिखाऊंगी जिससे आपकी जो अप्लीकेशन है वो आगे प्रोसेस करेगी ठीक है तो चलते हैं हम यहाँ पर मैंने आपने जो है वो पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इस yes पर क्लिक करना है और उसके बाद आप सेफ एंड कंटिन्यू पर जाएंगे तो यहाँ पर जब मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊंगी तो ये आगे प्रोसेस नहीं करेगा तो आपने ध्यान के साथ करना है अगर आपने एक बार यहाँ पे कर दिया तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो एम रहेगी और उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा और आपकी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर नहीं होगा तो आपने क्या करना है ध्यान से इसको फिल करना है तो वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे करना है मैं दोबारा से उसी पेज पर आ गई हूँ यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है येस को ठीक है येस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से कंट्री यहाँ पर एलिजिबल हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं येस पर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक कर रही हूँ इस लिंक पर और लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितने भी कंट्रीज़ हैं जो कि एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे मेंबर्स कंट्रीज़ जितने हैं वो सब यहाँ पे शो किया गया कि कितनी कंट्रीज़ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन अप्लाई कर चुका है तो यहाँ पे अफ्रीका अप्लाई कर सकते हैं अफ्रीका के जो भी इनके अंदर आते हैं ठीक है इसके बाद एशिया में देखिए एशिया में बांग्लादेश आ रहा है फिर उसके बाद इंडिया मलेशिया मालदीव्स पाकिस्तान सिंगापुर श्रीलंका ये सब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ठीक है इसके बाद भी आप बाकी जिस भी कंट्री से हैं जहाँ पे भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं यूरोप में अगर आप साइप्रस में भी पढ़े हैं तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप को ठीक है तो बाकी आप चेक कर लीजिएगा आप जिस कंट्री से हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे ही कंट्री एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए तो हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ और उसको फिल करते हैं अब यहाँ पर हम फॉर्म को फिल करते हैं सबसे पहले आपने करना है यस यहाँ पे रिफ्यूजी जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कहीं के भी है रिफ्यूजी है आप जहाँ पे भी है पाकिस्तान में इंडिया में कहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है इसके बाद आपने अपने कंट्री को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप अगर आपकी ड्यू नेशनलिटी है तो आप यस करेंगे अदरवाइज़ नो करेंगे और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन जो है वो अंडर ग्रेजुएशन कम्प्लीट की हुई है तो आप यस करेंगे अगर नहीं की तो आप नो करेंगे अब यहाँ पर आपने जिस भी आपकी यूनिवर्सिटी के साथ आपकी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स मिल रही हैं आपका सब्जेक्ट है आप उसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कीजिएगा अगर आप एक से या दो से ज़्यादा कोर्सेज़ में जो है वो अप्लाई करना चाहती हैं और दो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर साउथ पैसिफिक के साथ में जो है वो करूँगी क्योंकि मेरा कोर्स उसमें वो मैंने सेलेक्ट किया है तो वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रही और उसके बाद आपने सेफ़ एंड कंटिन्यू करना और नेक्स्ट पेज पर चले जाना है नेक्स्ट पेज पर चले जाने के बाद आपने यहाँ पर अपना टाइटल सेलेक्ट करना है पर्सनल डिटेल्स जो है वो ऐड करनी है तो यहाँ पर आप मिस्टर हैं मिसिज हैं डॉक्टर हैं जो प्रोफेशन है आपका वो जो भी आप यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट हैं इसके अलावा अगर मिस्टर हैं मिसिज हैं जो भी हैं आप यहाँ पर वो स्टैक कर लीजिएगा और जो तो मैं यहाँ पे मिस्टर सेलेक्ट कर रही हूँ ठीक है इसके बाद आपने यहाँ पर अपना जो है वो डेट ऑफ बर्थ लिखना है आपने का नेम और लास्ट नेम सर नेम जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है इसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे और अपना पासपोर्ट यहाँ पर पिक्चर उसकी अपलोड करेंगे पी फाइल में ठीक है तो पासपोर्ट की पिक्चर जो है वो आपने अपलोड करनी है अपनी पिक्चर नहीं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये जो कन्फ्यूजन हो जाती है इसके बाद आपने यहाँ पर नंबर लिखना है जो भी आपका फ़ोन नंबर है आपने कंट्री कोड के साथ यहाँ पर लिखना है और नेक्स्ट आपने फिर अपना ई मेल एड्रेस लिखना है और ई मेल लोकेशन लिखनी है जो भी आपकी होम है फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं ऑफिस की है जो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं उसके बाद आप करेंगे डाउन स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ पर एड्रेस लिखना है और यहाँ पे अगर आपकी दो एड्रेसेस हैं जैसे परमानेंट एड्रेस हो रहा है करंट एड्रेस हो रहा है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और जिनकी स्ट्रीट नहीं है तो वो यहाँ पर स्ट्रीट को जो है वो ज़ीरो करके लिख सकते हैं और अगर यहाँ पर आपका डिफरेंट है दो डिफ़रेंट एड्रेसेस हैं तो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको लिख कर बताती हूँ यहाँ पर मैं आपको स्ट्रीट नंबर नहीं है हाउस नंबर नहीं है तो मैं यहाँ पे ज़ीरो लिख रही हूँ और उसके बाद मैं जो अपना ग्रांट और परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर लिख रही हूँ तो आपका जिस तरह से भी आप उस तरह से आप लिखिएगा ठीक है इसके बाद आपने अपना सिटी सेलेक्ट करना है जहाँ से भी आप हैं बिलोंग करते हैं इंडिया वाले अपने कंट्री सिटी का नाम लिखेंगे और पाकिस्तान में जो भी जिस सिटी से है वो यहाँ पर लिखेंगे और बाकी कंट्रीज़ वाले जो जो उनका सिटी है जहाँ पे वो रह रहे हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ठीक है इसके बाद अपनी स्टेट प्रॉफे रीजन जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे लेकिन उससे पहले जब आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये ऑप्शन आपको जो है वो ओपन मिलेगा तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान से कर रही हूँ आपने इंडिया से करना है बांग्लादेश से करना है जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वो आपने यहाँ पर से करना है और उसके बाद आपने अपने जो है स्टेट प्रोविंस या रीजन को सेक्ट करना है और उसके बाद आपने जिप कोड यहाँ पर लिखना है उसके बाद आपने करना है नो और सेफ एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और फिर हम चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे सारी कैटेगरीज़ को आप चेक कर लीजिएगा जहाँ जहाटैरिक है उसे मास्टर आपने अप्लाय जो है वो फिल करना है और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के बाद नेक्स्ट पेज पर चले जाना है यहाँ पर अब आप अपना एकेडमिक रिकॉर्ड जो भी है वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है अब आपने यहाँ पे एफ का करना है बैचलर का करना है और उसके बाद आपने अगर मास्टर किया है तो उसका कर सकते हैं और अगर आपने मास्टर नहीं किया हुआ तो फिर आप मैट्रिक का एफ का और उसके बाद बैचलर का रिकॉर्ड यहाँ पर आपने फिल करना है और यहाँ पर आपने तीनों करने हैं ठीक है यहाँ पे आपने कब से कब जो है वो अटेंड किया अपना वो आप यहाँ पे चेक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर ये लिखना है डेट लिखनी है और बात लिखना है और उसके बाद कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन जो भी आपका होगा जिस कंट्री से मतलब आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है वो आप यहाँ लिखेंगे और उसके बाद आपने आपने अपने जहाँ से भी पढ़ा है वो उसका नाम लिखेंगे अपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर लिखेंगे और अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे जो आपने अपने सब्जेक्ट पढ़ा है या जिसमें मेजर सब्जेक्ट है ठीक है वो करेंगे आप और उसके बाद आपने अपनी डिग्री टाइप यहाँ पर स्टेक्ट करनी है ठीक है तो मैं यहाँ मैं यहाँ पर बी एस बैचलर जो है वो लिख रही हूँ बैचलर ऑफ साइंस तो आपकी जो भी डिग्री है और जो उसकी टाइप है वो आप यहाँ लिखेंगे इस इसके बाद आपने जो है वो फाइनल ग्रेड्स लिखने हैं अगर आपका सी जी पी है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे और अगर आपके मार्क्स हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं और अगर परसेंटेज है तो वो भी यहाँ पर आप लिखेंगे इसी तरह आपने सारे बॉक्सेस को फिल करना है नेक्स्ट आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अपने जो, जो सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पर आपने अपलोड करने हैं ठीक है अपलोड करने के बाद आपने लास्ट में जाना है और यहाँ पर अपनी जॉब्स की जितनी भी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं और आपने जहाँ जहाँ जॉब्स की हैं वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे यहाँ पे फिल करेंगे मैक्सिमम अगर थ्री थ्री जॉब्स हैं तो आप यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं अगर नहीं तो आप अगर एक ही कंटिन्यू रखा हुआ है अभी तक तो वो यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद आपने सेफ़ एंड कंटिन्यू गांट पर क्लिक करना है और उसके बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पर ठीक है नेक्स्ट पेज पर आने के बाद यहाँ पे जो भी आपकी मेन रोल्स एंड कीज़ है वो आपने अपने जॉब्स आप की लिखनी है जो भी आपकी डेजिनेशन थी वो भी आपने यहाँ पर लिखनी है ठीक है इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर जब आएंगे तो यहाँ पे अपने कोर्स टाइटल सेलेक्ट करना है जो कि आपका कोर्स है और जो जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया उसमें जो कोर्स भी आपने अप्लाई किया वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है तो मैं यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग जो है वो सेलेक्ट कर लेती हूँ एक मैं एक रैंडम कर यूज जस्ट फॉर्म फिलिंग के लिए आपकी जो भी फील्ड है आपने वो उसी को सेलेक्ट करना है इसके बाद आपने यहाँ पर नो करना है यहाँ पर आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने कभी पहले अप्लाई किया अगर तो आपने किया है तो यस अदरवाइज नो करेंगे उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपने प्लान ऑफ स्टडी जो है वो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इनको आपने यूज़ करना है अपने प्लान ऑफ स्टडी से तो हेल्प लीजिए जी पी से और कुछ गूगल से लें और कुछ अपने माइंड से लेकर इसको रेडी करके यहाँ पर आपने थ्री हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड वर्ड्स जो है यहाँ पर लिखने हैं ठीक है थीके? तो मैं यहाँ पर एक रैंडम से लिख रही हूँ क्योंकि आपको बताने के लिए तो यहाँ पर आपके जो वर्ड्स हैं वो थ्री हंड्रेड से फाइव हंड्रेड होंगे तो ये एक्सेप्ट करेगा वरना बार बार आपकी जो अपलिकेशन है वही ही स्टाक हो जाएगी तो इन सारे पॉइंट्स को आपने यूटिलाइज़ करना है अपने स्टडी प्लान में ठीक है और इन पॉइंट्स में पूछा जा रहा है कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया है इसका क्या मकसद है और इनके इसको आप पढ़ कर क्या अपने कंट्री के लिए जो है वो डेवलपमेंट कर सकते हैं वो सारे पॉइंट्स को आपने यहाँ पर यूज़ करना है और बताना है कि आपने क्या और क्यों ये स्लै किया है ठीक है इसके बाद आपने जो है वो डिवेलपमेंट गोल्स जो है वो बताने हैं यहाँ पर आपकी कोर्स से रिलेटेड जो भी कैटेगरीज uh, मैच करती हैं आप वो यहाँ पर स्टेड कर सकते हैं जैसे अगर आप जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में हैं तो उसमें इंडस्ट्रियल और ये सारी मैच होती हैं और अगर आप लाग करें फर्ज करें तो उसके लिए पीस जस्टिस ये आपकी कैटेगरी आ जाएगी इसके अलावा अगर आप साइंसिस को यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद फिर लाइफ ऑफ बिहेवियर ये सब आपकी इन कैटेगरीज में आ सक आ जाएंगी आप अपने कोर्स से रिलेटेड देखिएगा कि आपकी ये जो कोर्स है ये कौन कौन सी फील्ड को जो है वो कवर कर रहा है और यहाँ पर जो ऑप्शन है उनमें से कुछ किस को कवर कर रहा है तो आपने मैक्सिमम थ्री जो है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद आपने इन कोर्सेज़ के अबाउट जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं इसके बारे में आपने फर्दर आगे बताना है कि ये कोर्स आप क्यों कर रहे हैं इनका क्या मकसद है ये क्यों आगे आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपकी कंट्री की डेवलपमेंट में ये कैसे काम करेंगे और आप इन पर और आप कैसे वर्क करेंगे इस पर ये सब आपने यहाँ पर जो है वो लिखना है और आपने चैट जीपीटी पी और गूगल से आपने जो है वो हेल्प ले लेनी है इसके अलावा फिर आप स्नैपचैट से भी हेल्प ले सकते हैं लेकिन आपने एज इट इज़ नहीं लिखना और आपने इसको चेंज करना है रिफ्रेश कर लेना है इसको रीडाइट कर लेना है गूगल से तो वो आपकी जो भी आपने कॉपी पेस्ट किया होगा वो रिमूव हो जाएगा ठीक है तो ये चीज़ें आपने सारी यहाँ पर मैक्सिमम थ्री आपने पॉइंट्स को सेट करना है और अगर आप इससे ज़्यादा भी अगर आपकी फील्ड से मैच करते हैं तो आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ठीक है इसके बाद वन फिफ़्टी से टू हंड्रेड तक आपने यहाँ पे वर्ड्स जो है वो लिखने हैं ठीक है और अगर काम हुआ तो आपकी आगे एप्लीकेशन ही होगी तो आप चार जी पी को भी इंस्ट्रक्शन कीजिएगा कितने वर्ड्स वो लिख कर दे इसके बाद आ जाएगा ने क्रिएट नेटवर्क आप अपने प्रोफेशनल हॉबीज एड जिससे भी आप जो नेटवर्क बनाएंगे वो आपको किस तरह से हेल्प करेंगे और आपने किस तरह से है वो वर्क करना है और कैसे करना है वो सब आपने इन पॉइंट्स को यूटिलाइज़ करके यहाँ पर आपने जो है वो लिखना है और उसके बाद आपने सेव कंटिन्यू पर क्लिक करना और नेक्स्ट पेज पर आ जाना है यहाँ पर अब आपने नेक्स्ट पेज पर आने के बाद जो रेफरेंस आपको चाहिए होंगे अगर आपकी एकेडमिक नहीं है तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के जो भी हैं मैनेजर है जो भी है उसको रेफरेंस के तौर तो पर यूज़ कर सकते हैं तो उनका बायोडेटा यहाँ पर लिख सकते हैं अगर ऐसा नहीं है तो फिर जुगाड़ में आपको बता देती हूँ आप ख़ुद से जो है वो इनकी ई मेल्स बनाकर उनको जो है वो आप कर लें ऐड कर लें ठीक है तो यहाँ पे अपने फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम बताना है और उनका ईमेल एड्रेस बताना है यहाँ पर और जॉब टाइटल जो भी अगर तो वो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है तो वो उनका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे और फिर उनकी जो रेफरेंस लेटर है उसको अपलोड कर देंगे और यहाँ पे आपको इतनी रिलैक्सेशन दी गई है कि अगर आपके एकेडमिक नहीं है और आपको उनके साथ कोई टच नहीं है तो फिर आप जॉब रेफरेंस लेटर भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं तो अगर आपके पास होंगे तो आप कर सकते हैं अदरवाइज़ आप बनवा के जो है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे एटलीस्ट टू रेफरेंस आपके पास होने चाहिए और यहाँ पर आपने सेकंड रेफरेंस का जो है वो नाम लिखना है और लास्ट टाइम लिखना है और उसके बाद ई एड्रेस लिखना है और उसके बाद उनका भी रेफरेंस लेटर यहाँ पर अपलोड कर देना है और नेक्स्ट सेम उसी तरह करना है सिर्फ एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे जो टाइटल आप लिख सकते हैं प्रोफेसर हैं मैनेजर हैं असिस्टेंट हैं जो भी हैं आप जिसके साथ भी आप मतलब को है कोई तो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो इसके बाद आपने जो है लिखने के बाद आपने सेफ एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और सेफ एंड कंटिन्यू कर देंगे इसको और नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे यहाँ पर ये यह अपलोड चुके हैं अब आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आपने यहाँ पे इनके प्राइवेसी एंड स्टेटमेंट टर्म्स लिखे हुए हैं यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद सेफ़ एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आपने यहाँ पर अपने जो है वो सिग्नेचर करने हैं तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिख रही हूँ और उसके बाद आप सेफ़ एंड कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट पेज पर चले जाएँगे यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि आपने इस स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से सुना है तो आपने जो है वो जहाँ से भी सुना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर मेरे चैनल से सेलेक्ट किया है तो वो फिर मज़ीद जो है वो आपको ऑप्शन अदर में जाएंगे और जब अदर में जाएंगे तो फिर आप मेरे जो वीडियो है उसका लिंक भी दे सकते हैं चैनल का लिंक भी यहाँ पर पेश कर सकते हैं तो आपको पेश करना चाहिए और अगर आपने कहीं और से सुना है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं अपने ही जो है वो चैनल का लिंक यहाँ पे पेश करूँगी उन्हें भी तो पता चले कि यहाँ पे हम उनकी जो है ना वो एडवरटाइजिंग कर रहे हैं और उसके बाद आपने सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पर चले जाना है नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आपने जो है वो यहाँ पर आपकी सारी समरी जो भी आपने फिल की है पूरा फॉर्म यहाँ पर आपको एज़ अ समरी शो होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको अगर आपको कुछ भी एडिट करना है या कुछ भी आपने इसमें चेंज करना है वो आप कर सकते हैं और आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और इसके बाद आपने सबमिट अप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है ठीक है इस तरह से आपकी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और सबमिट होने के बाद आपको कंफर्मेशन की मेल आ जाएगी और ये फिर आपके साथ जो है वो रबता कर लेंगे ठीक है इसके बाद अगर कोई क्यूरी होती है तो वो इनकी वेबसाइट पर इनका जो है वो ईमेल एड्रेस है वो आप वहाँ से उसके साथ जो है वो इन टच रह सकते हैं और इसके अलावा अगर आपको एक से ज़्यादा अपलिकेशन में अप्लाई करना है तो भी आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और इसके अलावा यहाँ पर आप जो है वो ये काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए और इस तरह से सबमिट करने के बाद आपको इस तरह से जो है इंटरफेस जो है वो आपका शो हो जाएगा और अगर किसी कोई भी क्यों हुई तो आप मुझे पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में और ईमेल के जरिए भी आप मुझे पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हैं तो प्लीज लाइक तो बनता है इतने ज़्यादा व्यूज आते हैं लेकिन लाइक कोई भी नहीं करता तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याेगा ला